महासमुंद जिला में एक सनकी युवक ने कल सोमवार को नायब तहसीलदार को उसके कार्यालय में घुसकर थप्पड़ जड़ दिया। पहले नायब तहसीलदार को चप्पल फेंक कर मारी और इतने में गुस्सा शांत नहीं हुआ, फिर नायब तहसीलदार का कॉलर पकड़ लिया। नायब तहसीलदार युवराज साहू की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला पटेवा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार युवराज साहू झलप उप तहसील में नायब तहसीलदार है। कल सोमवार दोपहर 12 बजे राजस्व न्यायालय में डैश पर बैठकर नायब तहसीलदार युवराज साहू प्रकरण का निराकरण कर रहे थे। इसी दौरान छिलपावन निवासी कुलप्रीत सिंह पहुंच गया। दोनों के बीच किसी बात को लेकर के बहस हो गई। वीडियो में दिख रहा है कुलप्रीत सिंह नायब तहसीलदार को कह रहा है कि पैसा लेकर भी काम नहीं कर रहे हो, कौन है 420, किसे 420 कर रहे हो, किस एंगल से 240 लगता हूं, पैसा लेकर काम तू करता है और 420 240 मेरे को कहते हो। इसके बाद वीडियो में कुछ अधिकारी कर्मचारी कुलप्रीत को गाली गलौज करते सुनाई दे रहे हैं। वहीं कुलप्रीत कह रहा है मैं यहीं बैठा हूं, कहीं नहीं जा रहा। बताया जा रहा है कुलप्रीत नायब तहसीलदार युवराज साहू से कोई काम कराना चाह रहा था, लेकिन वे करने से मना कर रहे थे। तहसीलदार के मना करने पर कुलप्रीत ने अपने बैंक मैनेजर दोस्त से कहा कि वह तहसीलदार को बोले कि काम कर दे। इस बात कुलप्रीत के कहने पर बैंक मैनेजर ने नायब तहसीलदार युवराज साहू से काम करने की गुजारिश की। बताया जा रहा है इस पर युवराज ने कुलप्रीत को 420 कहा। यह बात बैंक मैनेजर ने कुलप्रीत को आकर बताई। कहा जा रहा है कि इसी को लेकर कुलप्रीत गुस्से में था। वह नायब तहसीलदार पास पहुंचा और पूछने लगा कि क्या मैं 420 हूं, पैसे लेकर काम तुम कर रहे हो, 420 कौन हुआ। इसके बाद विवाद बढ़ गया और लोग बीच बचाव करने लग गए। आरोप है कि कुलप्रीत सिंह ने गाली गलौज करते हुए डैश पर बैठे नायब तहसीलदार को चप्पल फेंक कर मारी। इस बाद वह डैश पर चढ़ गया, थप्पड़ मारने लगा। यह भी आरोप है कि उसने नायब तहसीलदार का गला दबाने की भी कोशिश की। इस दौरान कार्यालय में पदस्थ पृथ्वी अजय कुमार पूजा सायगर्तीन और उपस्थित कोटवार उषाबाई रात्रे तुलाराम मोगरे और ग्रामीण के बीच बचाव का काम किया गया। मारपीट में नायब तहसीलदार की शर्ट फट गई। अधिकारी के गाल और पीठ पर चोट के निशान है। उप तहसील कार्यालय में मारपीट की खबर मिलते ही रायपुर संभाग के पटवारी आरआई नायब तहसीलदार वहीं पहुंच गए। इस बार नायब तहसीलदार युवराज साहू सभी के साथ पटेवा थाना पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी कुलप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दी गई है।